परम पूज्य वेदव्यास प्रिया स्वामी महाराज द्वारा, जो कि शिला प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य हैं और शिला प्रभुपाद जी से 1977 में दीक्षा प्रदान किए हैं, लिए हैं, और तत्पश्चात पिछले 45 साल से इस्कॉन में अलग अलग भूमिका में सेवा देते आए हैं। महाराज जी इस्कॉन के एक दीक्षा गुरु हैं और भारत में कई जगहों पर प्रचार करते हैं। भारत के अलावा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, थाईलैंड इत्यादि में घूमकर प्रचार करते हैं। तो अभी महाराज जी हिंदी में भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देंगे, तो हमारा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप शांति से बैठ कर के प्रवचन सुनिए या फिर शांतिपूर्वक दर्शन लेकर के जाइए। कृपया आवाज़ मत कीजिए, बात मत कीजिए, और अगर बच्चे हैं तो बालकनी में बैठ सकते हैं, जिससे कि बच्चों की आवाज़ नहीं आएगी। तो कृपया शांति बनाए रखिए, शांति से श्रवण कीजिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी के मुख कमल से हमको भगवद गीता के बारे में श्रवण करने का अवसर मिला है। तो आइए हम महाराज जी को यहाँ पर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं उनके संग के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो कृपया शांति से रहिए, आपके बाजू में कोई बात करते तो उनको भी निवेदन कीजिए कि शांति से थोड़ा दर्शन लीजिए या फिर शांति से क्लास सुनिए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, जमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
जमुना तीरवन चारे जमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारे जमुना तीर वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय ओम शुभाद परमहंस परिव्रज आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमति दिवाय शलभ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बेबी फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावेद भक्त वृंद की जय नित्याय गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में सड़सठ अड़सठ और उनहत्तर ये तीन श्लोकों के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें जैसे कि अभी भगवद गीता मैराथन चल रही है इसका हेतु क्या है
कौन व्यक्ति भगवत गीता का संदेश ग्रहण कर सकता है, किसको कहना चाहिए और कहते क्या होता है जब प्रचार करते हैं ना, ये तो ये सब के लिए भगवत गीता के परम सत्य जो स्वयं परम सत्य प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो शुरुआत में तो कह देते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्तियो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और दिव्यता की दृष्टि से ही जो समझता है वो सही समझता है, जिसके द्वारा ये दोबारा हम भवसागर के चक्कर में गिरेंगे नहीं। पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा वचन वो भी बोल गए हैं कि माम उपेत्य तो कौनते है दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मना संसिद्धि परमांगत। मनुष्य जीवन की समग्र सिद्धियों मुझे पाने में है, मेरे साथ नाता है हर एक जीव का। जीव प्रदान करना पिता तो मैं हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति जाहा ताशाम महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। जीव का बीज भगवान देते हैं जिसे आत्मा कहते हैं। हमारे पिताजी ने जीव नहीं दिया है, न तो माता ने पैदा किया है। माता प्रकृति की देन है, उसमें जो व्यवस्था है वो प्रकृति कृति यानी जो चीज करी गई है भगवान ने कृति की है, तो लेकिन कृति से पहले प्रकृति होती है। तो प्रकृति अपना स्वभाव के अनुसार काम करती है, भगवान की प्रकृति भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है। जो सारी दुनिया में जो करता हरता है तो वो है, हम नहीं है, फिर भी अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। हम विमूढ़ भाव से अपने आप को कर्ता मानते हैं। अरे भैया परवशता से काम करना पड़ता, जबरदस्ती होती है, स्वेच्छाएं करते हैं क्या? स्वेच्छाएं कोई कर्म करता है? मजा आती है, जबरदस्ती है। पेट में भूख लगी है तो जबरदस्ती होती है, खाना पड़ता है। ये प्रकृति है, वो भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, आपकी और मेरी अध्यक्षता में काम नहीं करती। फिर भी हम इन सारी चीजों को उल्टा ही समझ करके हम अपने आप को केंद्र में मानते हैं। अहम भोगी अहम सुखी, मुझे अपने आप ही मेरे कर्तव्य के अनुसार परिणाम मिलेगा। हाँ मैं मानता हूं लेकिन मैं ही सुखी बनूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ये मंदिर में क्या जाना, क्यों आते हैं लोग इतने सारे? आते हैं फिर भी समझते हैं एक सद्भाग्य है, दूसरी तरफ दुर्भाग्य भी है। मंदिर में आते भगवान की सेवा समझना, जो दिव्य भाव से जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, वो हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। मैं तो अपने विश्वास के अनुसार हमारे परंपरा में चले आए कि जाओ मंदिर दर्शन करो प्रसाद मिलेगा। प्रभुपाद जी ने सारा उल्टा सुल्टा कर दिया। अपने मंदिरों में थोड़े मूंगफली के दाना और थोड़ी शक्कर दे देते हैं, यही प्रसाद है। हमारे यहाँ छप्पड़ फाड़ के देते हैं। प्रसाद सेवा, क्योंकि प्रभुपाद जी
लालची नहीं है, लालच देकर हमने नहीं बुलाते हैं, सिखाते हैं। जो अन्य मंदिरों में कोई सिखाने वाला भी नहीं है, दर्शन के आओ, पर यहां भी ऐसा मतलब रखना थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये सारे नौजवान भक्त कितने सारे ग्रेजुएट हैं कितने, लेकिन इनका सारा मार्गदर्शन अध्यात्म से हो, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। तो इसके बारे में भगवान की जानकारी, जो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो जो दिव्यता की दृष्टि से ही इनको जान सकते हैं। कम से कम लेवल तो सरिका होना होता है ना, दो मित्रों में यदि मित्रता है तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक समान के समान स्तर पे होते हैं, दोनों के विचार शायद सरीखे होते हैं तो हम उसको मित्र मान लेते हैं, बना देते हैं। लेकिन मित्रता में कभी पलटा आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति का तो नियम है उलट फेर करते रहना, तो वो टिकता नहीं। लेकिन दिव्यता का अभाव है, इसीलिए जब भगवान के जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, तो भगवान के एवं वेत्तियो तत्वतः दिव्यता द्वारा ही भगवान का परम सत्य क्या है उसका परिचय होता है। वह परिचय प्राप्त करके ही पुनर्जन्म न विद्यते, दो बारह जन्म लेने की आवश्यकता होती नहीं। चलो ये तो ऐसे कर्म करने की बात करते हैं, अंततो गत्वा सभी कुछ भगवान के लिए जो करना पड़ता है वो तो भक्ति ही कहलाती है। भक्ति बुद्धि से अलग नहीं होती, मन से अलग हो सकती है लेकिन बुद्धि से अलग नहीं हो सकती। बुद्धि किसे कहते हैं, हम ग्रेजुएट बन जाएं तो बुद्धिशाली बन जाएंगे क्या? बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे, क्योंकि ये सारी रगड़ हमने पहले सुबह भी बताया था डार्विन ने दी है। फिर से बंदर बनने की बात कर रहा है। तो भक्त लोग, नौसिखिया लोग जो होते हैं, इनकी बुद्धि में भेद नहीं उपजाते हैं। भगवान का ये वचन है, मार्गदर्शन है कि भक्तों को कैसे सामान्य अबुद्ध जनता जब श्रद्धा के साथ यहाँ आते तो कुछ दिव्यता का अनुभव करके जाएं, क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म मिट जाता है, ये गप्पे नहीं है। तो भक्त लोग इन लोगों की बुद्धि में भेद नहीं उपजाते। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि मुक्त संगम समाचरित। ये भक्तों के लिए आदेश है, हमें भी करते करते भगवान को समर्पित करते इनको सिखाना है, तो इनको भी उत्तेजना मिलेगी कि मैं भी भगवान को समर्पित होकर सारे कर्तव्य कर सकता। ये सभी जो टेक्निक है ना वो दे दी है, भगवान स्वयं सिखाते हैं कि कैसे उनको जान पाते हैं। और क्या जानोगे, कोई अलग अलग ढंग से भगवान को नहीं जान सकता। भगवान कौन है पूछे तो हर एक की मान्यता अलग होगी, लेकिन भगवान क्या है उसे पूछो तो पता नहीं कह देंगे। भगवान कौन हो सकते हैं वो भी पता नहीं। अरे इसीलिए तो जब दिमाग नहीं आगे दौड़ता तो सभी भगवान है,
मायावादी तो वहां तक कहते हैं अरे आप भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं, नमो नारायण, मामला खत्म हो गया, कोई भेद नहीं। लेकिन न तो मैंने न तो कोई ऐसे सिखाने वाले ने ये सारे सृष्टि का उत्पन्न करने का दावा किया है, न कोई किसी रख रखाव भी, ये कैसे चलता है सारा व्यवहार। अंतिम अध्यक्षता तो भगवान के देखे मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम कर रही है, जो भी है आवश्यक सूचनाएं जो जानने की भावना होती है वो पूर्ण रूप से भगवान बताते, ऐसे नहीं कि भगवान सीक्रेट रखते हैं। भगवान कभी सीक्रेट नहीं रखते हैं, नहीं तो भगवत गीता कहने की आवश्यकता क्या थी अर्जुन को। वो भी दूसरे चक्कर काटने के लिए ही उसने अपने मनोभाव ऐसे बना रखे थे, लड़ाई तो होने वाली थी लेकिन लड़ने की आवश्यकता नहीं समझता था, परवशता से भी लड़ना पड़ेगा वो जानता है, फिर भी उसका दिल भौतिक लगाव के कारण अपने परिवार बृहद परिवार जो चचेरे भाई इत्यादि की क्षेम कुशलता चाहता है, इसका दिल बहुत नरम है, पर ऐसे नरमाश को भगवान क्या कहते हैं मूर्ख, अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषुष गतासु न गतासु से नानुशोचन्ते पंडिता। स्पष्टीकरण करने के लिए सबक सिखाना पड़ता है, अपने मित्र हो कैसे भी गहरे मित्र हो उसको सामान्यतया समझना और यहां तो एक तरफ भगवान है दूसरे तरफ अर्जुन है, दोनों में मित्रता है वो तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन एक भगवान है एक दूसरा इसका अंश है, वो गैर मार्ग भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं पर भगवान के विपरीत वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो क्या उसको मानना चाहिए कि ये भगवान है, ऐसा बकवास बंद करें। भगवान उसको क्या कि प्रश्न पूछ क्या है, लेकिन उसमें भगवान ठपकारते हैं उसको, तो बेवकूफ है, जिसके लिए शोक करना है उसके लिए शोक नहीं करता है। और जिसके नहीं करना है उसके लिए शोक करता है, बेवकूफी तो नहीं किया। तो ये सारी स्पष्टता होने के बावजूद भगवान विशुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही दिव्यता का परिचय होता है, क्योंकि भक्ति दिव्य है, कर्म दिव्य नहीं होता, ज्ञान दिव्य नहीं होता, इसलिए भगवान के पास पहुंचाने में दोनों असमर्थ हैं। भक्ति ये कोई स्त्रियों पर छोड़ देना और हम तो बाहर पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे अहंकारी जीवन जीना बेवकूफी है। हर एक जीव भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी देखो भक्ति करना तो स्त्रियों का काम है। अरे सारे विश्व में सब धर्मों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती, यहां किनकी संख्या ज्यादा है भैया, स्त्री कम लग रही है, यानी कि ये सब बुद्धिमान है, आप भी तो बुद्धिमान है, लेकिन इतने सारे इकट्ठे हुए तो बुद्धिमान ही तो कहलाएंगे। यहां कोई बेवकूफ नहीं बैठा। तो सामान्य जन को भगवत गीता का संदेश पहुंचाना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक,
भगवान के बारे में इनके ये जो सारे रहस्य हैं, इनको कैसे जाना जाता है, इनका परिचय किस ढंग से हो सकता है, ये सारी माहिती भगवान स्पष्टता कर देते हैं सारी भगवत गीता में, और अति गुह्य तमाम ज्ञान भी देते हैं जो विशुद्ध भक्ति का भी है। जग ज्ञातवा मोक्ष से अशुभात, सारे अपने आस पास जो अशुभ है हमारा ही कल्याण करने वाले हैं, ये जगत नहीं है, उससे भी छुड़वा देंगे। ये कोई खोखला प्रॉमिस नहीं है, अपना दिमाग खोखला हो सकता है लेकिन भगवान के किस कोई भी वचन खोखले नहीं है, इसका अनुभव करना हर एक जीव की जिम्मेदारी है। इसलिए भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद ने प्रकट की है, और भक्तिविदान तात्पर्य समझने की आवश्यकता होती है। ये 18वें अध्याय में इन 30 श्लोकों की हम अभी बात करेंगे, उसके गौर से सुनना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषूर्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गृहितम ज्ञान जो है उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, नहीं तो उसे जो मुझसे द्वेष करता हो, इन लोगों को छोड़ो। भगवान की इच्छा है कि इन लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं देना। अति गुह्यतम जो ज्ञान है, क्यों? नवमा अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र पर अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा भी नहीं करना। पत्थर पे पानी, ये महामुली जो परम सत्य की गाथा है उसको अनुभव करने के लिए मुनियों तो युगो युगो बिता देते थे, और कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण प्राप्त होता है आसानी से। फिर भी जो न करने वाले भगवान के द्वेषी होते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट करने आते हैं जो भगवान की शरणागति भी न लेने देने के लिए दुनिया को गुमराह करते हैं। इनके लिए हमें इनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना, न तो अपनी दिव्यता का परिचय भी इनके पीछे लुटाना मत देना। इनके पीछे समय बर्बाद करना मूर्खता है, लेकिन आप सब श्रद्धालु हैं, आपके पीछे हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि ये समय में जो गीता मैराथन चल रही है उसका रहस्य ये सब भक्तों को हम बताते हैं। तो ये श्लोक में तो बता दिया कि किसको नहीं कहना चाहिए, अब दूसरे श्लोक में क्या है? य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वश्यत सत्संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। यहां हम समय की बर्बादी नहीं करते, हमेशा कृष्ण भावना का वातावरण बना रहे हैं, उसकी ही देखभाल करने के लिए ये सब
नौजवानों में भक्ति के माध्यम द्वारा संचालन की व्यवस्था करने को कहा। आदर्शता सिर्फ बोलने में नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में है, उसका ही तो परिचय करना चाहिए। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में ही भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे तो न तो कृष्ण को समझेंगे न तो भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल लेना नहीं चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतनों का भी नहीं है। लेकिन यदि कोई भी भगवद गीता का यथारूप में प्रस्तुत करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत दाना जाना निश्चित है। यानी कि यह इदम गोह्यम परमम मद भक्तेषु दाश्वति, आप सभी भक्त हैं इसलिए यहां उपस्थित है। किसी भी ढंग से किसी भी श्रेणी के भक्त हो, लेकिन भक्त तो भक्ति ही है। भक्त अपना उद्धार करने के लिए भक्ति के मार्ग जो कृष्ण भगवान ने बताए हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें तो कोई आपत्ति नहीं। भक्ति का कभी नाश नहीं होता, लेकिन इस जन्म में जितनी प्रगति होनी चाहिए उसके लिए हमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है। ये संसार में सुवर कुकर जैसा जीवन जीना और बाद में हम भक्त हैं कैसे कह सकते। तो भगवान को प्रिय करने वाला यही एकमात्र ऐसा कर्तव्य है जो इनका भक्तों के लिए लागू होना कितना आवश्यक है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मादन्य प्रीतौर्भुवि, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है समझो भगवान के पास पहुंच जाएगा। हमारा हिसाब किताब क्या है भैया? आज हमने ये काम किया वो काम किया, कभी दिन भर का जो अकाउंट्स होता है भगवान को बताते हैं? इनमें से भगवान की प्रियता के अनुसार हमने कितने कर्तव्य किए हैं? लेखा जोखा तो हर रोज अपने आप को निकालना पड़ता है। भगवद गीता आत्मा का उद्धार के लिए है, शरीर के उद्धार के लिए नहीं है। इसलिए बिना नात जात देश प्रणाली जाति सबका उल्लंघन करके जो आत्मा को सीधे ही स्पर्श करता है वो ज्ञान यदि भगवान ने जैसे बताया है वैसे भक्त सीख कर दूसरों को देता है तो वो भगवान को अति प्रियकर होगा। उससे अलावा दूसरा कोई प्रिय करने वाला है ही नहीं। भगवद गीता का स्कोर हर रोज सुबह हम पढ़ते हैं,
कि आज इन लोगों ने क्या किया, कितनी किताब, कितना वितरण किया, कितने सद्भागियों को और भगवान की ओर जाने के लिए इन्होंने लाभान्वित किया है। इसी तरह भगवद गीता का वितरण और ज्ञान का प्रसार सारी दुनिया में इस महीने में हो रहा है। भगवद गीता का सारा मैराथन लगा, इसमें किसने कितनी भगवद गीता बांटी उसका भी पुरस्कार मिलता है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता इसमें प्राप्त होती है। यदि किसी को प्रसन्न करना है तो भगवान को करो, ए चमड़ी वाले को क्यों करें? चमड़ी वालों को तो प्रसन्न करते करते थक जाओगे, फिर भी निराशा ही प्राप्त होगी। ये भगवद गीता का उद्देश्य है, भगवान को प्रिय करने वाली प्रवृत्ति। मैं पुणे का इस्कॉन मंदिर काफी आगे है, क्योंकि यहां प्रभुपाद जी ने जो बताई उसकी प्रणाली की सुरक्षा मिलती है। सभी ब्रह्मचारी तेजस्वी हैं, ये दाढ़ी मूछ वाले तो शायद इतने आकर्षक नहीं लगते इनके सामने। ये दाढ़ी मूछ बढ़ाने से क्या फायदा, वो तो बॉलीवुड वाले करते हैं, वही स्टाइल समाज। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तएवेतरो जनः, क्या बॉलीवुड वाले श्रेष्ठ हैं, क्या अधम है? फिर भी इसमें यदि किंचित किसी में भगवद गीता का ज्ञान पाने की कोई वृत्ति हो, सद्गुण यदि दिखाई देते हैं, तो बॉलीवुड में नहीं रहेगा, उसे निकाल दिया जाएगा। भगवान को भी भ्रष्टाचारी बताते हैं वहां। भगवद गीता में इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि इन मूर्खों के पीछे समय बिताना, श्रम एव ही केवलम, श्रम तो गधा भी करता है और मनुष्य भी यदि श्रम करेगा, अरे स्लोगन बता दे, श्रम एव ही जयते। लेकिन भागवतम क्या कहता है, पहले ही स्कंद में आता है, श्रीमद् भागवत में वर्णाश्रम धर्म भगवान की प्रीति के लिए करने को बताया है, जो नहीं करता है उसे श्रम व्यर्थ श्रम करता है। वर्णाश्रम चर्वता पुरुषेन परम पुमान नोत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। किसने कहा था, अरे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, आप अपनी फैक्ट्री में ही आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। किसने कहा था पता है, कौन?
हैं? मंदिर में समय क्यों व्यस्त कर रहे हो, बर्बाद करते हो? फैक्ट्री में जाओ, आपको आपके सब मनोरथ सफल हो गया। वही तुम्हारा मंदिर है, फैक्ट्री। बहुत प्रतिष्ठित मायावादी ने कहा था, नाम लूं नहीं लेना, लेकिन प्रभुपाद जी तो किसी को भी छोड़ते नहीं, ऐसी पूछ पकड़ के घुमाते हैं। तो सच बता रहे हैं कि वाई शुड बी वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। भगवान की प्रति हमें रति यानी कि आकर्षण पैदा करना, क्योंकि भक्ति के कर्म द्वारा भगवान भक्त पर आकर्षित रहते हैं। भगवान अपनी भक्ति से वो आकर्षित रहते हैं। हम तो यहां आकर आंखों से देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोग आंखों से मत देखो, कानों से देखो। क्यों? दिव्यता का परिचय आंख नहीं कराती, कान करा सकता है। गुरु के माध्यम में चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो तो आंख कहां गई है, कोड़े जैसी है, उससे दिव्यता का परिचय नहीं होता। हमें अच्छा लगता है भगवान के श्रृंगार कितने अच्छे हैं, लेकिन भगवान कितने अच्छे हैं जिसके ही प्रभाव से श्रृंगार अच्छे लगते हैं, ऐसा सोच कभी आया है किसी के? हमें तो चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं। भगवान इतने आकर्षक, सर्वाकर्षक को ही तो कृष्ण कहते हैं, सर्वाकर्षक। तो इनको कपड़े और स्टाइल में ये पहना कर कोई और आकर्षक बना सकता है क्या? इनको जो पहनाते हैं इनको भी बहुत मर्यादा रखनी पड़ती है, ऐसे आभूषण इत्यादि सब कुछ लगाए कि चोर की नजर भी ज्यादा पड़ती है उस पर। लेकिन भक्ति में आभूषणों की सफलता भगवान के शरीर पर जाने की बताई है। वो तड़िया कहलाता, तड़िया यानी भगवान की सेवा में उपयोगी सारी चीजें, और भक्त लोग भी तड़िया कहलाते हैं। भगवान की सेवा में भगवान को अनुकूल होकर सेवा करते हैं। जिन्होंने भगवद गीता घर में नहीं रखी है ले जाइए, ये गीता मेरे थोन। हमने किसी से पूछा, भैया जवाब मिला, ऐसी 80 किलोमीटर किलो का वजन में कितनी भगवद गीता चढ़ती है? वन थर्टी फाइव भगवद गीता बांट ली। मेरा वजन 80 किलो है। ऑलराइट, आपने ही तो बोला था ना, क्योंकि हम यहां आए तुला भार चल रहा था, तो मैंने कहा कि भैया हम तो चुक जाएंगे। नहीं नहीं, हमने ख्याल आया कि मेरा वजन तो 80 किलो है, आगे पीछे आधा किलो हो सकता है, लेकिन उसे क्या, 80 किलो।
वृंदावन में था वहां तुला भाग चालू नहीं किया, और इस बार हमने वृंदावन में नहीं दी, लेकिन वृंदावन के बीबीटी से हमने 300 मलयाली भगवत गीता लेकर वहां भेजवा दी। काफी अच्छी डील मिल गई हमें। तो कहने का मतलब है, भगवान के ये वचन है, य इदम गुह्यम परमम मत भक्तेश्व पिदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा जाति नात्र संशय न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च ते तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। कोई और इसे कोई मेरा और प्रिय करने वाला नहीं हूं। तो किसी को कोई प्रश्न है? आप भगवान की प्रियता के लिए भगवद गीता वितरण करिए। आज बहुत शुभ दिन है, जाते जाते लेते जाइए, नहीं तो यहाँ भक्तों को हो क्या हमारे लिए इतनी स्पॉन्सर करो, ये दान ले लो। तो 135 गीता का क्या देना हले? उधर बताएंगे कौन बता दो भैया। वो तो बक्से के हिसाब से देगा। What? 180 भगवद गीता होगी। हम कहां हम कहते कि मराठी ना बांटो, लेकिन वो 80 किलो होता है 180 का। ओ, दाम बता रहे हैं आप तो सस्ते हैं काफी। हाँ तो ये 180 कह रहे हैं। अब यहाँ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? मराठी उनको ही तो देना है, महाराष्ट्र में होकर हिंदी दे रहे। गुड, मिल जाएगा, हम देकर ही जाएंगे। चलो प्रभुपाद की, भगवद गीता मैराथन की, गौर प्रेमानंद। कोई किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, आपने काफ़ी सुंदर प्रवचन दिया, इसलिए शुक्रिया। मेरा प्रश्न ये कि आपने शुरुआत में ये बताया कि भगवान के दिव्य मतलब जन्म कर्म दिव्यम है, और उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को हमें दिव्यम करना पड़ेगा, हमें दिव्यम होना पड़ेगा, हम यू हैव टू मैच दैट लेवल। तो हम कैसे हमारा दिव्यम बना सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड द बर्थ एंड डेथ एंड ऑफ लॉर्ड। बुद्धि, हम भौतिक इच्छाओं से मलिन करते हैं सत्व रजो और तमो गुण द्वारा, तो दिव्यता चली जाती है। लेकिन बुद्धि का कर्तव्य क्या है? भगवद गीता में क्या बताया? टू सरेंडर मींस ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत उभयोरपि दृष्टो तत्वदर्शी भी। जो सत्य का परिचय करना है तो उसे बुद्धि द्वारा ये जानना होगा कि सत क्या है असत क्या है। सत का आग्रह करने वाली बुद्धि कहलाती है,
मन ठगावा क्यों रहता है? मन से तो बुद्धि चढ़ी आती बताई है, क्योंकि बुद्धि का कर्तव्य ही कुछ और है, मन का कुछ और है। बुद्धि ये जानती है सत का कभी अभाव नहीं होता और असत कभी टिकता नहीं। इतना भी सरलता का जो भाष्य है उसे समझ नहीं पाते क्या? अपने आसपास देखो, सब असत पड़ा है। शास्त्र नहीं कहता है क्या, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। ये असत, तमस और मृत्यु क्या चीज है? तीनों एक सरीखी अज्ञानता की स्थिति बताई है, कोई गहरी अज्ञानता की स्थिति। मरते समय हमें कुछ याद नहीं आता, या कहां है कुछ कुछ पता नहीं चलता। अज्ञानता कितनी व्याप्त हो गई। जीते थे तो ये पांच इंद्रियों के अनुभव से ही हम जीते हैं क्या? ये इंद्रियां जिसको जानने के लिए दी हैं, ऋषि के न ऋषि के सम सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान को जानने के लिए दी है। हमने तो दूषित करके अपने आप को ही भी भूल गए। इंद्रियों का जो उपयोग है, चेतना है, चेतना कहां से निकलती है? आत्मा से। आत्मा कहां से प्राप्त करता है? तो परमात्मा से। बाकी क्या रहा? वो चेतना हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दी है, या अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश कहलाते, ऋषि सर्वपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। तो सत और असत का परिचय करने वाली ही जो हमारी फैकल्टी है उसे बुद्धि कहते हैं। इसीलिए तो कहा कि क्या डिग्री प्राप्त करके कर पाओगे? डिग्री को क्या कहते हैं हिंदी में? उपाधि। धी याने बुद्धि, उप याने बेकार। डिग्री हासिल करना मनुष्य जीवन की कोई सिद्धि नहीं है। हम तो एमए, पीएचडी, डीएससी क्या क्या नहीं करते। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वह भगवत धाम पहुंचाने वाली बुद्धि है ही नहीं। उसे प्राप्त करके आप जीवन का जो मौका मिला है उसका भी गवा देना का कर्तव्य है। सब कुछ सीखना है, लेकिन ये बुद्धि वाला विषय नहीं सीखना है तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे जिंदगी भर। सारा जीवन बेवकूफी से बिताना, उसमें गर्व क्या है? कोई है गर्व? श्रम करने में कोई गर्व होता है? गधा भी करता है। अब मेरे मालिक मुझे खिलाता है, प्रभुपाद जी के घास तो सब जगह है, क्यों जाकर खा नहीं लेता? नहीं नहीं, मेरा मालिक देता है ना, एक गाजर भी हमें दिखाता है। और सारा दिन वो इतना भार वहन करता है, तो श्रम ये वही के। गधे भी तो भार उठाते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि कहाँ है? मोस्ट सेलिब्रेटेड एनिमल डजंट हैव इंटेलिजेंस। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधिक्कलत्रादिषु इज्ज भौमधी
या तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गो खर। गो याने गाय और खर याने गधा। जिसकी बुद्धि कफ पित्त वायु वाले शरीर और उसके उपार्जन जो होते हैं जो स्वधी कलत्र आदिशु, कलत्र यानी कि फैमिली वाइफ चिल्ड्रन ना, और वहां तक कि मेरे जन्म की ये भूमि है इसके लिए भी मैं मर फिटूंगा लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा। आपके मर फिटने के लिए कौन सराहना करता है क्या नहीं? निर्दोष भी मरते हैं लेकिन ये तीर्थ बुद्धि नहीं कहलाती। या तीर्थ बुद्धि सलील, तीर्थ क्या होता है? हम तीर्थ में जाते हैं स्नान करते हैं, अपनी गंदी डाल देते हैं, गंदगी ही डालते हैं जाने के लिए। हम सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, हमने अपनी सारी गंदगी तीर्थ में डाल दी। लेकिन तीर्थ सोचता है कि मैं इन गंदगी को उठाकर मेरी शुद्धिकरण कौन करेगा? तो जो लोग सिर्फ अपनी गंदगी को साफ करने के लिए जाते हैं और तीर्थ को गंदा करते हैं वो लोग कभी इच्छा नहीं करते मैं कोई साधु संत को मिलूं और मुझे ये स्पष्टीकरण करें कि भगवत प्राप्ति का विषय क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। तो ऐसे विद्वान होते जो भक्त किस्म के हैं और तीर्थ में इसीलिए वास करते हैं कि यदि कोई संस्कारी या अच्छे भक्ति के कर्तव्यों करने की भावना से जो यदि आया है तो उस पर अनुकंपा करके उसको सभी रहस्य स्पष्ट करते हैं। ये तीर्थ जाने का लाभ है। नहीं तो यह तीर्थ बुद्धि सलीले न कर ही चित। सलील यानी पानी, तीर्थ बुद्धि भी प्रवाही है, सब जगह व्याप्त है। तो ऐसा व्यक्ति जो टूरिस्ट जाते हैं तीर्थ धाम में भी टूरिस्ट आते हैं, वो क्या प्राप्त करेंगे? इनकी भावना तो देखने की ही है, टूरिस्ट कोई प्राप्त करने की नहीं है। तो सुज्ञ समाज में, साधु संत समाज में ये गाय और गधे की बुद्धि वाला ही कहलाता है। इन लोगों को तीर्थ क्या है वो जानकारी की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वहां भी प्रकृति है, प्रकृति के नियम अनुसार वो जीते हैं। मनुष्य तो प्रकृति का उल्लंघन करके तीर्थ जाना चाहता है, तो डबल वेमी कहते हैं, दो गुना गुनेगार है। तो बुद्धि का विषय गहरा है। दूसरे अध्याय में बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो अवश्य बुद्धिशाली होना चाहिए, सिर्फ मान्यता से अनजाने बनकर करता रहता है उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं। आप सही कर रहे हो उसका प्रमाण कहां मिलेगा आपको? गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त, ये तीन प्रमाण होने चाहिए तब ठीक है। ऑलराइट, नहीं और बोलो।
महाराज, अभी भी आपने बताया और सुबह भी बता रहे थे कि ये शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान की अनुभूति नहीं तो परिचय हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन में मैं देखता हूँ कि मिश्र भक्ति करने में भी बहुत इंक्लिनेशन होता है, तो उसको कैसे वो मिश्रण को हटाएं और शुद्ध भक्ति की तरह ज्यादा से ज्यादा? मिश्र भक्ति कब तक करोगे? कोई समय मर्यादा है? मिश्र भक्ति यदि करनी है तो तीव्र भक्ति होनी चाहिए। भागवत में क्या कहा? अकाम वा सर्व काम ही मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजे तो पुरुषम परम। अकाम और काम में दोनों में यदि बीच में हो तो मिश्र कहलाएगी। यदि मोक्ष की कामना करते भी निष्काम बनने की भावना होती है तो भी मिश्र कहलाएगी, वो शुद्ध भक्ति नहीं। सब में परम पुरुष को ही तो भजना है, इनको ही तो केंद्र में रखना है। मिश्र में कितना केंद्र में रख पाओगे? तो फिर एक ही मौका और उसमें पूरे पूरा फायदा उठाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने जो मेहनत की है उसके लिए ही तो इनकी मेहनत की सफलता इनके पुस्तकों का वितरण करने में। जब भगवान खुश होंगे तो प्रभुपाद कितने खुश होंगे। भक्त लोग भी तो खुश होते हैं। और कोई प्रश्न है? ज्यादातर मिश्र भक्ति सकाम कहलाती है। हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। सो इट वाज हम द लास्ट श्लोक वेट वी हमने लास्ट श्लोक में हम आपने बताया था टू प्लीज कृष्णा इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। हम हमारे जीवन में इतना कैसा ये काम कर सकता है, कैसे प्रीच कर सकता है, कैसा ये भगवान का वाक्य हमारे मन में इसका ज्ञान करके सबको कैसे बांट सकते हैं, इसके लिए हमको क्या अच्छा और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनु मांग मनोभी। अपने अपने स्थान में हम जो कुछ कर्तव्य करते हैं सब मिश्र भक्ति के यदि हैं। दीक्षित लोग भी मिश्र भक्ति ही तो करते हैं, लेकिन मिश्रता में जितना गहरा स्वाद आना चाहिए वो नहीं आता। भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति कभी मिश्र हो ही नहीं सकती, वो शुद्ध भक्ति कहलाती। मिश्र भक्ति का आपका जो अनुमोदन है करना चाहिए, क्योंकि
मिठास तो लगती है ना, लेकिन अंदर बालू होने के वजह से आप इसका आनंद नहीं उठा पाओगे। खीर खाई है, खीर में यदि कोई दूली पड़ी हो, कंकड़ पड़ी हो, वो खाने में मजा आती है, मीठी तो लगती है पर खाने में मजा नहीं आती। आनंद की झंखना यदि पूर्ण करनी है तो शुद्ध भक्ति चाहिए। भगवान आनंद का स्रोत है, भक्ति करते ही वो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो आनंद तो प्रेम का परिणाम है। प्रेम का परिणाम है। तो गृहस्थी हो, धीरे धीरे अपने ये सकाम कर्म भी भगवान को पूर्ण रूप से अर्पित करके आगे बढ़ सकते हैं। भगवान के लिए व्यापार करो, किसी भी अवस्था में अपने अपने कर्म भगवान को अर्पित करते ही पूर्णता प्राप्त होती है। और कुछ? या हरे कृष्णा महाराज जी, आपका बहुत भाग्य से दर्शन मिला। महाराज जी, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता है, भटकता रहता है, तो हम मन को आपने कैसे स्थिर करें? मन को नियंत्रित करने के लिए ही तो मंत्र दिया है, मनहत्रायते इति मंत्र। मन का जो निवारण करना है, उनका नियंत्रण करना है तो मंत्र देते हैं। लेकिन मंत्र श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम की पद्धति से ही सिद्ध होता है। पहले सुनो, बोलो मत। गुरु बोलेंगे उसके पांच पीछे बोलो, तो पहले श्रवण आ गया, बाद में आप कीर्तन कर, तब आपके स्मरण में आएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये पद्धति है। यहां कीर्तन करते कई माताएं प्रभु जी इत्यादि साथ साथ में करने लगते हैं, क्या ये व्याजबी ढंग है कीर्तन करने का? श्रवणम कीर्तनम, बिना श्रवण किए कीर्तन करना अपराध है। पहले श्रवण आता है, बाद में बोलने को बोला। हम तो किसी का सुनते ही नहीं, अपने मन में जो आया साथ साथ में बोलने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। हम उदाहरण देते हैं, वो प्रहलाद की बार बार, प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में सुना। हाँ, और जब बाहर आए बच्चे के रूप में तब बोले नहीं है। यदि नारद मुनि ने सुनाया ही नहीं होगा तो प्रहलाद की जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन ऐसी दृढ़ता से सुना तब बाहर निकल के वो बोले और दूसरों को भी बुलवाना चालू कर दिया। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुना, हम लोग ने प्रभुपाद जी से सुना, तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये ज्ञान प्राप्त करने की ये पद्धति है।
लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो पद्धति भी नष्ट हो सकती है, लेकिन भगवान किसी न किसी शक्तिशाली अपनी ही शक्ति इनको देकर शक्त्यावेश अवतार के रूप में पुनः जागृत कराते हैं। वो तो भगवान ने 5000 साल पहले भी अर्जुन को कहा कि मैंने पहले ये योग एवं विवस्वते मनवा प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे रवि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंत पट्टे सये मे अया अद्यम योग योग प्रोक्त पुरातन। अर्जुन मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ये पुनः ये योग भक्ति की बात कर रहा हूँ और पुनः स्थापना करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो इस तरह भगवान ने पुनः ये भक्ति योग की स्थापना की थी। तो अवश्य श्रवणम बाद में कीर्तन बाद में स्मरणम में जाएगा। जो सुनना ही नहीं चाहता है तो स्मरण कैसे कर सके। ट्राई करो लेकिन समय ज्यादा बर्बाद मत करना, आ जाना जल्दी जल्दी। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की। ऐसी 1 किलो का तो जब मैं आया तब से करवाना चाह रहा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम महाराज जी के धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी है महाराज सभी से। सवेरे यहाँ पर भागवतम क्लास भी दिए और अभी भगवद गीता क्लास दे के हमको धन्य किए। तो अभी महाराज नीचे तुलादान के वहाँ पर जाएंगे और महाराज का भगवद गीता का तुलादान होने वाला है। तो जिन भक्तों को महाराज का तुलादान करवाना है तो आप मुझे मिल सकते हैं। और अच्छा अच्छा महाराज खुद भी करेंगे और जिनको भी करना है तो मुझे मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। और महाराज को हम धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जोर से प्रेम से और हृदय से जोर से बोल के बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और महाराज जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही हमारा यहाँ पर राधा वृंदावन चंद्र मंदिर का भक्तों को अपना आशीर्वाद अपना संग देके हमें अप्लावित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये पुना कॉन्ग्रेगेशन के अंदर हमारा अंतिम प्रोग्राम था। यहाँ पे भक्तों ने जिस तरह से हम लोगों का सत्कार किया है और खास करके महाराज की सेवा की है, इसके लिए दिस इज़ अ स्मॉल यू नो द वर्ड ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी। राधेश्याम प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित नहीं है लेकिन राधेश्याम प्रभु जी ने जो एस्टैब्लिश किया हुआ जो कल्चर ऑफ सर्विस जो है वो मैं हर एक क्षण के पे महसूस कर रहा हूँ। So, एक दफे सब लोग हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से शुरू से लेकर के जब भी मैंने प्रोग्राम के बारे में कोऑर्डिनेशन के लिए ईमेल वगैरह भेजे थे तो राधेश्याम प्रभु इतना बिजी होने के बावजूद भी इमिडिएटली हाफ एन आवर के अंदर रिप्लाई देते हैं। और उन्होंने अपनी कुछ मजबूरियां बताई और कही कहा कि वो बहुत बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं आ सकते हैं लेकिन आपका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा आशीष आराध्य प्रभु आप चिंता मत कीजिए। दिस वर इज वर्ड्स। तो रेवती पति प्रभु ने शुरू से लेकर के अब तक बहुत अच्छी तरह से हमको संभाला है, इसके लिए उनके लिए जोर से हरि बोल कहिए। हरे हिज ग्रेस
युगल श्याम प्रभु हमको एयरपोर्ट पे लेने के आए और अच्छी तरह से सारी की सारी जितने भी इश्यू थे हमारे वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेट किए। प्रसादम के लिए हिज ग्रेस पुरुषोत्तम हरि प्रभु ने बहुत अच्छी सेवा की है और कैंप पूना कैंप के अंदर हिज ग्रेस ललित माधव प्रभु और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा सहकार और बहुत ही अच्छी तरह से सारा कुछ किया। इसके लिए इन सब के लिए हरि बोल गाएंगे। सो मैं आई एम वेयरिंग टू हैट्स, वन इज आई एम द सर्वेंट ऑफ द यात्रा एंड अनदर इज आई एम द सर्वेंट ऑफ पूना congregation too. So on behalf of Pune congregation, we are welcoming all the devotees for Maharashtra Yatra, whose Maharashtra Yatra is beginning tomorrow for 13 days. So un sab ka abhivadan karte aur unke liye hari bol boliye. Hari bol. So Maharashtra Yatra ke sare bhakton ko ek baat dhyan se sunni hai ki aap jahan pe bhi thehre hai wahan pe 4 baje bus aa jayegi. The bus will come to pick you. The bus will come. Aap sabko mangala aarti ke liye aana hai. लेकिन 4 बजे आपके गेस्ट हाउस के सामने बस आ जाएगी, उसके अंदर आप सामान को लोड करके यहाँ पे मंदिर में आ सकते हैं, मंगला आरती कीजिए और मंगला आरती करने के बाद में तुलसी आरती होने के बाद में यू कैन एक्चुअली प्रोसीड टू स्टार्ट बोर्डिंग द बस, क्योंकि हमें 5:45 को यहाँ से निकलना है और निगड़ी के लिए प्रस्थान करना है। आई विल ऑल्सो सेंड द मैसेज इन साइड द यात्रा ग्रुप। फिर से एक दफ़े कहता हूँ कि जो केसर लॉजिक में रुके हैं और जो इस्कॉन पूना के हमारे गेस्ट हाउस में रुके हैं, वहाँ पे एक बस आपको 4 बजे आपकी बस खड़ी मिलेगी। बस का नंबर ये सब मैं एक्चुअली मैसेज केंद्र में बता दूंगा। आपको ये करना है आपका सामान लेकर के, इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर नॉट रेडी यू कैन डू इट लेटर, लेकिन आपको 4:45 के आजू बाजू में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ से 5:30-6 बजे निकलना है। तो बस के अंदर अपना सामान रखिए, मंदिर के अंदर आइए, मंगला आरती अटेंड कीजिए, गो बैक टू द बस, सिट इन द बस। मैं 5:45 को यहाँ से निकलना चाहता हूँ बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच यू नो निगड़ी इन टाइम। सो थैंक यू ऑल द डिवोटीज हू हैव कम फॉर यू नो द महाराष्ट्र यात्रा, एंड अगेन थैंक यू ऑल द डिवोटीज यू नो ऑफ इस्कॉन NVCC पूना, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अभी नीचे तुलादान के लिए हम लोग जा रहे हैं।